नमस्कार UVN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। शिवप्रीत अजय शर्मा की रिपोर्ट। निधि समर्पण महाअभियान को लेकर नरवर में बैठक संपन्न। रहिए UVN08 ताजा खबरों के लिए, बने रहिए UVN08 के साथ। नरवर नगर में समाज सेवा के लिए सदैव सक्रिय राम भक्त हिंदू समाज के तत्वाधान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संपन्न महाअभियान को लेकर सोमवार को वार्ड क्रमांक 6 में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह रावत सह प्रभारी समर्पण महाअभियान उपस्थित रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा भगवान रामलला की पावन जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण के लिए एक व्यापक जनसंपर्क व सहयोग अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में जनमानस को श्री राम जन्मभूमि अभियान के ऐतिहासिक महत्व से भी अवगत कराने एवं जिला प्रकार जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए लाखों भक्तों ने अनेक कष्ट सहते हुए बलिदान व अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। उसी प्रकार कोटि कोटि राम भक्तों के स्वैच्छिक सहयोग से राम मंदिर बनाने के लिए देश भर में ये अभियान प्रारंभ किया गया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से निधि समर्पण सहयोग देने को लेकर कहा कि महासागर पर सेतु बंध के समय गिलहरी की भांति इस पुनीत यज्ञ में यथासंभव योगदान कर पुण्य लाभ के बागी बने। इस अवसर पर प्रदीप पाठक, जिला मंत्री, अभियान सह प्रभारी राजेंद्र रावत, कार सेवक घनश्याम दास, लक्षाकार चंद्र कुमार जैन, हृदयेश पांडे, हरि सिंह प्रजापति, रामेश्वर चौहान, राकेश सविता, राकेश लक्षाकार, अनिल भार्गव, मनीष भार्गव, रोहित भार्गव, अविनेश भार्गव उपस्थित रहे। नगर की टोलियां, ग्राम की टोलियां, हर जगह टोलियों का गठन किया जा रहा है। वो टोलियां अपने संबंधित क्षेत्र में जाकर के धन संग्रह करेंगे। कब से कब तक चलेगा ये अभियान? ये मुख्यतः 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक है, एक महीने का अभियान है। इस अभियान को हमने दो चरणों में रखा, एक 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक और एक फरवरी से लेकर 15 फरवरी। धन संग्रह की प्रक्रिया क्या होगी? धन संग्रह का कूपन के रूप में भी है, जो कूपन कटवा सकते हैं 10 रुपए का है, 50 रुपए का, जिसकी जैसी श्रद्धा भाव है और जैसी जिसकी स्वेच्छा से, और रसीद के रूप में भी है, और खाते में भी, जो खाता है राम जन्मभूमि न्यास का, उसमें भी आप अकाउंट में सीधा भेज सकते हैं राम जन्मभूमि न्यास के लिए।